और दोस्तों इस चैनल का मकसद ही यही है, जो जो विराट कोहली को हेट करते हैं उनकी गांठ सुबह जलाओ शाम जलाओ चारों दिशाओं को। तो दोस्तों कल एक आरसीबी फैंस के लिए परफेक्ट दिन था, क्योंकि कल आरसीबी एक तो जीत गई और गौतम गंभीर की टीम हार गई, इसीलिए मजा आया। तो दोस्तों वीवी कुमार कल के मैच में आरसीबी के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव, वीवी कुमार ने कल के मैच में आरसीबी के लिए 3 विकेट लिए और ऐसा डेब्यू बहुत सारे बॉलर्स का सपना होता है। और जो विराट कोहली के हेटर्स थे वो आईपीएल से पहले बहुत ज्यादा फुदक रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे मेरा मुंह दाल निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार, मेरा मुंह दाल निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो दोस्तों कल के मैच में आरसीबी के बॉलिंग ने बहुत अच्छा किया, मतलब बॉलिंग में बहुत ही क्रांति हो चुकी है। मोहम्मद सिराज हर मैच में अच्छा कर रहे, वीवी कुमार और हसरंगा के आने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर भी दोस्तों आरसीबी के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है, बवासीर एक आम समस्या है। नहीं, बवासीर तो अब आम समस्या है। तो दोस्तों समस्या यह है कि आरसीबी के लिए विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डुप्लेसी, ये 3 खिलाड़ी अगर हम छोड़ दिए तो बैटिंग में अभी तक कोई भी खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पा रहा है। दिनेश कार्तिक काफ़ी ख़राब फॉर्म में, अनुज रावत ने तो कल हद ही पार कर दी। तो कल का अनुज रावत का परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं तो टूट गया। तो दोस्तों कल के रात के मैच की, मतलब लखनऊ और पंजाब की बात करूँ तो आवेश खान परफॉर्मेंस झाट भर और रंडे रोना रात भर। अरे कहना क्या चाहते हो? और लखनऊ वालों, राहुल टीम के का भाईल 160 रन, सिर्फ 160 रन। तो दोस्तों कल के लखनऊ के मैच के सबसे अच्छी बात, लोकेश राहुल ने रन बनाए हैं और यह बात मेरे स्वाभिमान की है। मेरे स्वाभिमान की कैसे बताता हूँ। तो दोस्तों जब लोकेश राहुल आउट ऑफ फॉर्म थे, पहले आईपीएल के 2 मैच जब लोकेश राहुल फ्लॉप गए थे, तब मैंने कुछ ऐसा बोला था मेरे वीडियो में, मेरे हिसाब से इस आईपीएल में लोकेश राहुल अपना कमबैक जरूर करेंगे। अगर मुझे ऑरेंज कैप का नहीं पता, लेकिन लोकेश राहुल टॉप 3 बैटर्स में अंत में जरूर रहेंगे। और देखना अगर लोकेश राहुल नहीं रहे तो मैं अपनी मूंछें हटा दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि लोकेश राहुल रन बनाएंगे और मेरा स्वाभिमान बच जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको क्या लगता है ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।